इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इनके मिले अधिकारों और रुतबे के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। साल 1952 से राज कर रही एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की महारानी भी है। एलिजाबेथ द्वितीय कई मामलों में कानून से भी ऊपर है, यानी यूके में बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी कानून क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते। तो आइए जानते हैं कि आखिर एलिजाबेथ किस किस मामले में अपनी मनमर्जी चला सकती हैं। नंबर एक, क्वीन पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता। क्वीन एलिजाबेथ को कोई भी कानून तोड़ने का अधिकार है। वे चाहे तो सिग्नल तोड़ सकती हैं, इमरजेंसी घोषित होने पर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती हैं, चाहे तो बैंक लूट सकती हैं या किसी की हत्या भी कर सकती हैं। उन पर ना तो मुकदमा हो सकता है और ना ही उन्हें जेल भेजा जा सकता है। नंबर दो, नोट छापने का अधिकार। क्वीन जितनी मर्जी उतने नोट छाप सकती है। कहा जाता है कि बकिंघम पैलेस में उनके पास एक नोट छापने की भी मशीन है। नंबर तीन, युद्ध शुरू कर सकती हैं। क्वीन चाहे तो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकती हैं। यही नहीं, क्वीन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों को भी बर्खास्त भी कर सकती हैं। 1975 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया था। नंबर चार, किसी प्रस्तावित कानून को ठुकरा सकती हैं। ब्रिटेन की संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कोई कानून पास करने क्वीन के पास मंजूरी के लिए भेजते हैं। क्वीन चाहे तो उन प्रस्तावित कानून को ठुकरा भी सकती है। नंबर पाँच, हंस खा सकती है और डॉल्फिन पाल सकती हैं। क्वीन ब्रिटेन के सभी हंस की संरक्षक हैं। वहां हंस मारना गैर कानूनी है, लेकिन क्वीन उनका मांस खा सकती हैं। इतना ही नहीं, क्वीन वहां की डॉल्फिन और वेल्स की मालकिन है, इसलिए उनके अलावा कोई और डॉल्फिन नहीं पाल सकता। इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकार हैं जो उन्हें मिले हैं। मसलन उनके लिए अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं, उन्हें टैक्स देने के लिए भी कोई बाध्य नहीं कर सकता। उनके लिए पासपोर्ट भी रखना जरूरी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। तो ये थे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में अहम जानकारी, जिनके बारे में हमें और आपको भी अंदाजा नहीं था। तो आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट? अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।